ऐसे बहुत सारी यात्राएं पूरे बिहार में चल रही है। आप कह सकते हैं कि 25 यात्रा कम से कम पूरे बिहार में चल रही है और कुल मिला के 5000 साथी हर रोज 500 किलोमीटर चल रहे हैं। ये है इस पूरे यात्रा का तरीके से स्केल। बदलो बिहार नया यात्रा, इसके ज़रिए हमारी कोशिश रही है कि बिहार के आज के जो ज्वलंत सवाल है, जिन सवालों को लेकर के जनता बेहद परेशान है, बेचैन है, लेकिन सरकार का किसी तरह का कोई इन मुद्दों को लेकर के सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार खामोश है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है, और इसीलिए यात्रा के जरिए हम इन मुद्दों को पूरे समाज के सामने, सरकार के सामने इसको रखना चाहते हैं। इसमें जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एक तो बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत बढ़ गई है, दलितों के ऊपर हमले, हिंसा, हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार आम घटना बन गई है पूरे बिहार में। और हमने जहां भी पीड़ितों से मुलाकात की, बात की, तो हमें जो बात समझ में आई कि इस दलितों के ऊपर बढ़ती हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश है कि दलितों को, गरीबों को जमीन से बेदखल करने की एक पूरी कोशिश चल रही है। और शायद ये जो भूमि सर्वे नीतीश जी ने शुरू किया है, जो कहते हैं कि 25 जुलाई 2025 तक ख़त्म करेंगे और इससे बिहार में सारे भूमि विवाद खत्म हो जाएंगे, तो हमें तो लग रहा है कि ये भूमि सर्वे ये दरअसल गरीबों को जमीन से बेदखल करके बिहार में एक लैंड बैंक तैयार करना और फिर उस ज़मीन को कंपनियों के हवाले कर देना, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। और इसीलिए इस यात्रा की पहली मांग है कि सर्वे पर रोक लगाओ, पहले गरीबों को जहां वो बसे हैं उस ज़मीन का पर्चा दो, जो 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देने का सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करो और उसके बाद ही कोई सर्वे बिहार में हो। दूसरा, हमने देखा कि इस दौर में पूरे बिहार के लोग स्मार्ट मीटर से बेहद परेशान हैं। बिहार में अगर कोई कह रहा है कि बिहार बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, तो दरअसल वो तेज़ी सिर्फ स्मार्ट मीटर में ही दिख रही है। इतना तेज़ भाग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वो हर 7 दिन में 10 दिन में रिचार्ज मांग रहा है, और इससे पूरे बिहार के लोग, आम लोग परेशान हैं। जबकि बिहार में जो गरीबी है, इसको देखते हुए हमारे साथी संदीप जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि बिहार के गरीबों को 200 यूनिट बिजली दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब जो 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है, उनके ऊपर मोदी जी ने 1000 रुपये सिलेंडर का भार लाद दिया है और नीतीश जी ने 1000 रुपये बिजली बिल, तो 1000 रुपये बिजली बिल और 1000 रुपये गैस सिलेंडर 6000 के नीचे कमाई करने वाले परिवारों के ऊपर तो परिवार कहाँ जाएगा। लेकिन नीतीश जी ने इनकार कर दिया और उल्टे स्मार्ट मीटर थोप दिया। तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और 200 यूनिट बिजली बिहार के गरीबों को फ्री मिले, बिहार के किसानों को खेती के लिए फ्री मिले। तीसरा जो बड़ा सवाल जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं, वो है जो नीतीश जी ने कहा था कि बिहार के 95 लाख परिवार, जो पूरे बिहार के एक तरह से एक तिहाई परिवार 34%, 2 लाख रुपये आर्थिक मदद सरकार की ओर से देने की बात हुई और विधानसभा में बाकायदा नीतीश जी ने ये वचन दिया बिहार के गरीबों को, लेकिन साल भर हो गया उसके बाद से और इस पूरे बीते एक साल में अभी तक 95 लाख तो दूर की बात, 1 लाख घरों तक भी सरकार नहीं पहुंची। 40,000 परिवार को 2 लाख रुपए नहीं बल्कि एक किस्त के रूप में कुछ 1000 रुपए दिए गए। तो हमें लग रहा है कि जैसे मोदी जी का 15 लाख एक जुमला था, नीतीश जी का 2 लाख भी इसी रफ्तार से अगर चीज़ आगे बढ़े तो जुमला बन के रह जाएगा। तो हमारी सीधी मांग है कि ये जो नीतीश जी ने कहा 2 लाख देने का वादा किया, इसको निभाओ। हमारे साथी हर प्रखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, हक दो वादा निभाओ इस अभियान के तहत
और ये हमारी सबसे बड़ी एक मांग है। हमने देखा कि दिल्ली और पटना की सरकार दोनों मिलजुल करके चल रही है एक दूसरे की मदद से, और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन से अगर कोई ये मतलब समझे कि डबल रफ्तार से भी यार आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। डबल इंजन दरअसल पूरे बिहार को, बिहार के ऊपर डबल हमला, ये बिहार के साथ डबल धोखा। और दोनों, जैसे बिहार विधानसभा ने पारित किया 65% आरक्षण बिहार के दलित पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, और हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई तो दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है बिहारवासियों के साथ। तमिलनाडु में 69% आरक्षण मिलता है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, और वहाँ कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में संविधान का डाल दिया गया। तो बिहार के आरक्षण को भी, जो लोग कहते हैं कि बिहार के लिए विशेष पैकेज, अगर बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज की बात करनी हो तो बिहार में सबसे पहले जो 65% आरक्षण है, इस 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालना होगा। बिहार के गरीबों को उनके गरीबी मिटाने के लिए 2 लाख रुपए की गारंटी करनी होगी, और बिहार से जो इतना बड़ा पलायन हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, और जो रोजगार के नाम पर भी मिला हुआ है वहाँ किसी तरह का कोई सम्मानजनक वेतन नहीं है। बिहार की रसोईया बहनें 1650 रुपए उनको मिलते हैं महीने में, रोज़ाना 50-55 रुपए। बिहार में आशा बहनों को सिर्फ अभी भी 2500 देने की बात हुई थी लेकिन सरकार उस पर मुकर गई, और जीविका दीदियों को 1500 सरकार से मिलते थे उसको भी सरकार ने कह दिया कि अब हम आगे नहीं देंगे आपको, सहायता समूह से चंदा करके पैसा जुगाड़ कर। तो हम देख रहे हैं कि बिहार का हर तबका परेशान है। महिलाएं बड़ी तादाद में हमारी यात्रा में शामिल हो रही है, जीविका बहनें, रसोईया बहनें, वो अपने ज्ञापन के साथ। बिहार के गरीब आ रहे हैं, किसान दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिनको भूदान का थोड़ी ज़मीन मिली हुई थी वो भी आज खतरे में है कि ज़मीन चली जाए। तो बिहार के ज़मीन की गारंटी हो गरीबों की, रोज़गार की गारंटी हो, बिजली की गारंटी हो, बिजली 200 यूनिट फ्री में मिले, बिहार के आरक्षण की गारंटी हो, और इसी मुद्दे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बिहार जब आगे बढ़ना चाहता है, बिहार जब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वैसे ही समय में गिरिराज जी यात्रा निकाले हुए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि त्रिशूल लेके चलो, घरों में त्रिशूल रखो और जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल करो। आज तक हमने बिहार में किसी नेता को इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हुए, नफरत भरे भाषण देते हुए, उत्पात और उन्माद का माहौल बनाते हुए कभी नहीं देखा। तो बिहार को अगर विकास चाहिए, न्याय चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि समाज का जो ताना बाना है वहाँ सौहार्द बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। हमारा संविधान भी यही कहता है, सबके लिए बराबरी, सबके लिए संपूर्ण।